अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल डिस्कस इंटर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 11 हीट। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट लेक्चर में हमने हीट डिस्कस किया था, उसके मेथड डिस्कस किए थे, और सेकंड लेक्चर में हमने हीट एंड टेम्परेचर का डिफरेंस पढ़ा था, डिस्कस किया था। आज हम थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे स्केल ऑफ टेम्परेचर। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर क्या है, क्या कहते हैं, और इसके फिक्स पॉइंट क्या है, इसकी डिवीजन क्या है, ये चेंज कैसे होता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर हमें क्या बताता है, हमें फिक्स पॉइंट चाहिए होता है। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर में हमें फिक्स पॉइंट चाहिए होता है, जिसकी बेस पर हम इनके दरमियान जो कन्वर्जन होती है उसको हम क्या कर सकें, चेक कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का क्या रिलेशन है, सेल्सियस केल्विन का क्या रिलेशन है, फ़ारेनहाइट केल्विन का क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, इनके दरमियान के रिलेशन को हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर मतलब कि इनके जो दरमियान जो रिलेशन है या डिफरेंस है, उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, वाटर के दो फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, जिसमें एक फ्रीजिंग पॉइंट और एक बॉइलिंग पॉइंट। एक हमारे पास होता है फ्रीजिंग पॉइंट और एक हमारे पास होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारे पास सेल्सियस स्केल के अंदर, सेंटीग्रेड स्केल के अंदर क्या होता है, 0 डिग्री पर क्या होता है, पानी जो होता है वो क्या हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है, मतलब कि फ्रीज होना शुरू हो जाता है। और फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर 32 फ़ारेनहाइट पर क्या होता है, पानी जमना शुरू हो जाता है। और 273 केल्विन के अंदर क्या होता है, वाटर क्या होता है, फ्रीज होना शुरू हो जाता है, मतलब कि जमना शुरू हो जाता है। देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, 100 है। इसी तरह फ़ारेनहाइट के अंदर कितना होता है, 212 फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन के अंदर कब बॉयल होता है, 373 केल्विन पर क्या होता है, वाटर जो होता है वो बॉयल करना शुरू करता है। अब हम बात करते हैं नंबर्स ऑफ डिवीजन की। नंबर्स ऑफ डिवीजन जो होते हैं वो हमारे पास, नंबर्स ऑफ डिवीजन का मतलब है कि हमारे पास इनके दरमियान कितना डिफरेंस होता है बॉइलिंग और फ्रीजिंग के दरमियान। तो हम क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को माइनस करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट से, तो हमारे पास क्या आ जाता है, अब हमें पता चला कि अब हमने क्या किया, 0 को माइनस मतलब कि 100 को माइनस किया 0 से हमारे पास क्या आया, 1 आया। इसका मतलब ये है कि सेल्सियस स्केल में 0 और 100 मतलब कि फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 डिवीजन का, नंबर ऑफ डिवीजन कितने, 1 है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, 212 को माइनस करेंगे 32 से, तो हमारे पास कितना डिफरेंस आ रहा है, 180 का। तो नंबर्स ऑफ डिवीजन फ़ारेनहाइट में कितने हैं, 180, और केल्विन के अंदर कितने हैं, 100। सो फ्रेंड्स, सेल्सियस में कितना डिफरेंस है, 100, क्योंकि हम 0 को माइनस करेंगे 0 से, तो 100 ही आएगा। तो नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो गए, 100 हो गए। फ़ारेनहाइट में कितने हैं, 180 हैं, और केल्विन में कितने हैं, 100 हैं। सो फ्रेंड्स, इससे हमें पता चला कि जो 1 सेल्सियस मतलब कि नंबर ऑफ डिवीजन 1 सेंटीग्रेड जो 1 सेल्सियस जो है वो बराबर है फ़ारेनहाइट के 1.8 के और केल्विन के 1। इसी तरह नंबर ऑफ डिवीजन जो 2 नंबर ऑफ डिवीजन बराबर हैं फ़ारेनहाइट के 3.6 के और केल्विन के 2। और 5 किसके बराबर है, 9 के और फ़ारेनहाइट के, और कितने हैं केल्विन के, कितने नंबर ऑफ डिवीजन है, 5। सो फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने नंबर ऑफ डिवीजन कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स देखें, अगर अब हम क्या करेंगे, 1.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, नहीं सॉरी प्लस करेंगे 2 1.8 के अंदर, तो कितना आ जाएंगे, 3.6। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमें फ़ारेनहाइट और स्केल के सेंटीग्रेड के दरमियान क्या करना है, डिवीजन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 1.8 को हम क्या करेंगे कि इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 3 1 कितने हो गए, 4 4 में 5 प्लस किए, 9। तो नंबर ऑफ डिवीजन फ़ारेनहाइट के कितने, 9, और केल्विन के। अब आप देख रहे होंगे कि सेंटीग्रेड और केल्विन जो हैं वो क्या हैं, दोनों सेम हैं, इनकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं, इनका क्या डिफरेंस क्या है, सेम है, लेकिन फ़ारेनहाइट का क्या है, डिफरेंस ज़्यादा है। मतलब कि जो पानी है
सेंटीग्रेड का एक डिवीजन बराबर है 1.8 फ़ारेनहाइट के और 1 केल्विन के। इसी तरह सेंटीग्रेड का 2 3.6 फ़ारेनहाइट के बराबर है। सेंटीग्रेड का 5 डिवीजन बराबर है 9 फ़ारेनहाइट के। इसी तरह चेंज ऑफ 1 सेंटीग्रेड बराबर होता है चेंज ऑफ 1 केल्विन के। सो फ्रेंड्स, अभी देखा ना हमने ये नंबर ऑफ डिवीजन 1 सेंटीग्रेड और केल्विन में भी कितने हैं 1। इसी तरह चेंज ऑफ 1 सेंटीग्रेड बराबर है चेंज ऑफ 1 केल्विन के। अब हमने क्या किया, 1 केल्विन लिया, 1 सेंटीग्रेड लिया जो बराबर है किसके, 1 केल्विन के। 1 केल्विन कितना है, 273। तो हम क्या करेंगे, 1 केल्विन को 273 से ऐड करेंगे। जो फार्मूला हमारे पास यूज़ होता है इसको मतलब सॉल्व करने के लिए, रिलेशन बिटवीन सेंटीग्रेड और केल्विन, केल्विन के दरमियान और सेंटीग्रेड के दरमियान जो रिलेशन है उसका। अब हमने क्या किया, केल्विन को, केल्विन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सेंटीग्रेड को ऐड करेंगे 273 से, हमारे क्या आ जाएगा, 274। इससे हमें पता चला कि जो 1 केल्विन है वो बराबर है 274, 1 सेंटीग्रेड जो बराबर है 274 के। सो फ्रेंड्स, अब चेंज ऑफ 1 सेंटीग्रेड बराबर है चेंज ऑफ 1.8 फ़ारेनहाइट के। अभी हमने फाइंड किया कि 1 नंबर ऑफ डिवीजन 1 सेंटीग्रेड बराबर है 1.8 के। सो फ्रेंड्स, अब क्या है, 1.8 फ़ारेनहाइट के। तो हम इसका हमें कैसे पता, अब हम क्या करेंगे, अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस फ़ारेनहाइट जो है वो किसके बराबर है। तो हम 1 सेंटीग्रेड को मतलब हम फार्मूला पुट करेंगे, रिलेशन बिटवीन सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड के दरमियान क्या रिलेशन है। अब हम क्या करेंगे, सेंटीग्रेड अपॉन 5 इज इक्वल टू एफ फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। इससे क्या करेंगे हम, इसके इधर अब हमने क्या किया, सेंटीग्रेड की जगह सेंटीग्रेड का वैल्यू लिखी, 1 आया, 1 अपॉन 5 हो गया, एफ हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट करके देखिएगा, तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएंगे, क्या आ जाएगी, 33.8 फ़ारेनहाइट। अब हमें रिलेशन फाइंड करना है, रिलेशन बिटवीन केल्विन और फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट और केल्विन के दरमियान क्या रिलेशन है। चेंज ऑफ 1 केल्विन बराबर है चेंज ऑफ 1.8 फ़ारेनहाइट के। हमें पता है ना 1.8 बराबर है, 1.8 फ़ारेनहाइट बराबर है 1 केल्विन के। हमने क्या किया, 1 केल्विन बराबर है 1.8 फ़ारेनहाइट के। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला पुट करेंगे कि जो केल्विन है उसको माइनस करेंगे 273 से और डिवाइड करेंगे 5 से, और फ़ारेनहाइट को हम माइनस करेंगे 32 अपॉन 9 से, अपॉन 9। ठीक है, अब जब हम ये क्या करेंगे, फार्मूला पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग क्या करिएगा कि केल्विन की जगह केल्विन की वैल्यू लिखिएगा और क्या करिएगा, इस फॉर्मूले को सॉल्व करिएगा। इससे आपका क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट हमें पता चल जाएगा कि 1 केल्विन किसके बराबर है, कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है। सो फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क है, ये आप करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या है। अब हमारे पास है सेंटीग्रेड बराबर होता है फ़ारेनहाइट, कितने नंबर पे मतलब कितने सेंटीग्रेड पे मतलब बराबर होता है, कितनी डिवीजन पे, कितनी डिग्री पे बराबर होता है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड और माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होता है, इनकी कांस्टेंट है, ये बराबर होते हैं। केल्विन का हम क्या करेंगे, फार्मूला पुट करेंगे, केल्विन मतलब के हमने क्या किया, 40 लिखा, माइनस 40 माइनस 273, ठीक है, हमने इसको इससे किया तो 233। इसका मतलब ये है कि अब हमें पता है कि 233 केल्विन पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब क्या है, केल्विन बराबर है फ़ारेनहाइट के। अब केल्विन 574.25 और 574 केल्विन, 574.25 फ़ारेनहाइट। सेंटीग्रेड हम क्या करेंगे, सेंटीग्रेड का फॉर्मूला लगाएंगे, 274 को माइनस करेंगे 273 से, हमारे पास क्या आएगा, 301। अब हमें पता चल गया कि 301 सेंटीग्रेड पे जो केल्विन और फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, 574 होती है। और सेंटीग्रेड और केल्विन का कोई रिलेशन नहीं होता है, ये क्या होती है, इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, इनका कोई मतलब कि वो ही नहीं है, रिलेशन ही नहीं, क्या है, नॉट पॉसिबल है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ आएगा, पसंद आएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये लेक्चर समझ आया है, पसंद आया है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा,
और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।